सलाम नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 साल के एक ऐसी इंडियन लड़की की जिसने इजराइल में होने वाली मिस यूनिवर्स खिताब को जीतकर पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजाया और अपने साथ साथ अपने परिवार और देश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हरनाज संधू की, जिन्होंने इजराइल में होने वाली 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। बात करें हरनाज संधू के जीवन के बारे में तो उन्होंने 2017 के अंदर मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी और मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता था। 2019 के अंदर उन्होंने मिस इंडिया के कंपटीशन में हिस्सा लिया और टॉप 12 के अंदर शामिल हुई थी। हरनाज संधू 21 साल बाद कोई ऐसी इंडियन है जिन्होंने यह खिताब जीता है। इससे पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। उसके बाद से लगभग 21 साल के अंतराल तक कोई भी इंडियन वुमन ऐसी नहीं रही जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता हो। हरनाज संधू को जो मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था वह लगभग 37 करोड़ रुपए का था। जी हाँ दोस्तों, 37 करोड़ रुपए, और उस ताज के अंदर 1170 हीरे जड़े हुए थे। हरनाज संधू जब आखिरी राउंड में पहुंचती है और उनसे एक सवाल किया जाता है, उस सवाल का उन्होंने इतना खूबसूरती से जवाब दिया जिसके आंसर से उन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने में बहुत हेल्प हुई। उन्हें जजेस के द्वारा पूछा गया कि आप ऐसी औरतों के बारे में क्या राय देती है या उन्हें क्या सलाह देना चाहती है जो दबाव झेलती है जीवन में, तो हरनाज संधू कहती है कि ऐसी औरतों को सबसे पहले तो खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए और देश और दुनिया में जो भी हो रहा है उन सब के बारे में जानकारी अवश्य रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने जीवन के नेता खुद बने, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले आपको ही बोलना होगा। इस खूबसूरत जवाब से प्रभावित होकर हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के लिए बहुत अच्छे अंक और नंबर मिले। तो यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि एक इंडियन वुमन मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो यह थी बात हरनाज संधू के बारे में। ऐसे ही टॉप रिव्यूज के साथ मैं आपको और मिलता रहूंगा। तब तक के लिए आपका दोस्त निखिल आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।